Okay, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू इवॉल्व टॉक इन अनदर वेरी एक्साइटिंग सेशन और अ टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. जब जैसे देयर आर डिफरेंट कमिंग, आज वी हैड अबाउट अ वेरी वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन अपॉन इल्म की दुनिया, और वी अंडरस्टूड दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग इन एजुकेशन सिनेरियो और किस तरह से द यूथ कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट. So when we were talking about this discussion or we had this topic about youth going across, तो इसमें बहुत अहम किरदार और बहुत अहम वर्किंग जो थी वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी सामने आती थी. अ टॉपिक व्हिच हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट. आई थिंक दैट वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान डेवलपमेंट इज स्किल सेट, बिकॉज पाकिस्तान की जो यूथ है, अप्रोक्सीमेटली वी टॉक अबाउट 55 to 57% इज अंडर यूथ. So, which falls into the category of youth or under 30. So, us scenario mein, it is very, very important to have skill-based learning and knowledge. So, for that working, I thought to invite a person who is an amazing speaker himself. He's a life coach also and talks about how life skills are important for youth and how we can acquire them from person like दूसरों से किस तरह आप ये skill हासिल कर सकते हैं. Very importantly, apart from being an excellent coach, excellent mentor, he's also the head of department monitoring and evaluation, MNT at MNE at Punjab Vocational Training Council. और बहुत in-depth analysis है youth की requirements का, and also what is exactly or precisely needed by youth in that regard. So I'd like to warmly welcome with us today none other than a personality that brings a lot of experience, lots of working, and of course brings lots of knowledge also in that regard. So warmly welcome Mohammad Nadeem Akram. Nadeem थैंक साहब, यू वेरी welcome to मच the okay. कैसे हैं? जी. अल्लाह का शुक्र. बिल्कुल दानियाल, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? राइट नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वर्ल्ड टॉक. इट वाज लॉन्ग ड्यू, और खास तौर पे हमारी जो डिस्कशन थी रिगार्डिंग व्हाट वी कैन डू डिस्कशन विद यू विद यूथ. पहले तो ये बताइए हाउ दिस एंटी लॉकडाउन, नॉन लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, फिर से स्मार्ट लॉकडाउन, हाउ दिस इज कमिंग अलोंग फॉर यू? जी बिल्कुल. ये क्या कहते हैं कि आजकल वो रूटीन को एडजस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है. साथ रमजान भी जो चल रहा है, और इसी तरह से जो ऑफिस से भी ऑफ एंड ऑन जो है वो कॉल्स आ रही होती हैं, और ये सब कुछ जो है वो चल रहा है. और लॉकडाउन जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि लोगों के हवास पे जो है इस वक्त जो है वो सवार है कि जी क्या होगा, कब निकलेंगे इससे, जो है कब तक ये चलेगा, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब इस वक्त चल रही है, और जिसकी वजह से लाइफ जो है क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो रही है सबकी. राइट. मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि इस लॉकडाउन में आज कुछ नरमी की बातें की गई, फिर सख्ती की गई. सो डू व्हाट यू व्हाट्स योर पर्सनल बिलीफ अपॉन इट कि इस आर द थिंग्स हैंडल्ड इन द राइट डायरेक्शन, राइट अंदाज में हैंडल हो रही हैं या जिस तरह होनी चाहिए? असल में दानियल, ये बड़ा अहम सवाल है आपका. अगर आप देखें कि जो जितने भी लॉकडाउन दुनिया के अंदर हुए, स्पेशली अगर हम स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, अगर हम जो है और इटली की बात करें, तो वहां तो उस वक्त लॉकडाउन हुए थे जब 1000 से ऊपर केसेस जो है वो सामने आ चुके थे. और आप देख लें कि 6000 केसेस जब आ चुके थे और उसके बाद जब लॉकडाउन की तरफ गए तो फिर कितनी तबाही मची जो है. अच्छा, हमारी ये मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप हमने जो है वो शुरू में लिया कि जैसे ही एक केस हमारे सामने आया तो जो है यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हुई और इसकी बेसिस के ऊपर लॉकडाउन कर दिया गया, और जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो था वो बहुत ही स्लो था. और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को देना चाहिए, लोगों को भी देना चाहिए कि उस सब ने ये रियलाइज किया कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे तो इसका स्प्रेड जो है वो बहुत तेजी से होगा, जो बाद में चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी. अच्छा, जब स्प्रेड इसका स्लो हो गया तो हम लोग, मैं तो ये कहूंगा, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि जी वो वहां तो बहुत ज्यादा स्प्रेड है, हमारे स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलें जो है थोड़ी सी नरमी करके जो है वो देख लेते हैं. तो अब जो नरमी की है, वो जो एडवांटेज हमने गेन किया था, मेरे ख्याल से अब हमने उसको जो है वो खो दिया है. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अब हमारे दोबारा सी सूचल क्रिएट हो कि जहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो डेवलप हो जाए और मैं फिर से एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े. राइट. ऑफ कोर्स, आज दोबारा कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है. आई थिंक एयरलाइंस भी खोली गई हैं और उसके सिनेरियो में, बट होपफुली आई थिंक दैट विल बी
समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, और वक्त के साथ हमें रिलैक्सेशन भी देनी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें सेफ भी रहना है। अच्छा है सर, कमिंग टूवर्ड्स अ टॉपिक, आप यूथ के साथ काम करते हैं, यू आर ऑन द गवर्नमेंट साइड एज वेल, लुकिंग एट स्किल्स के सिनेरियो में आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है, और यू लुक टूवर्ड्स अ ब्रॉडर पिक्चर ऑन ऑन दैट एस्पेक्ट। सो मुझे थोड़ा सा अगर आप क्लियर करें, एंड आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट डू यू थिंक इज अ करंट सिनेरियो फॉर स्किल्स ओवरऑल इन पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा टॉपिक को ब्रॉडर करता हूँ, और मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ कि आपको हाउ डू यू सी दैट वर्किंग ऑन एक लाइफ स्किल्स पे तो हम आज बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अगर टेक्निकल स्किल्स या वोकेशनल स्किल्स के ऊपर बात करूँ, पाकिस्तान का जरा होलिस्टिक पिक्चर, कैन यू गिव अ बिगर पिक्चर ऑन दैट इफेक्ट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट? जी जी बिल्कुल। मेरे से अगर कोई ये सवाल करे दानियल साहब के, जी नौजवानों के हवाले से, कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी एजुकेशन है कि जो जिसमें कम से कम वक्त लगे और उसके ऊपर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा रकम भी उसके ऊपर जो है वो खर्च ना हो, और एक नौजवान जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो उसकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो मेरा उसका जवाब सिंपल यही होता है कि जी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, आप 3 से 6 माह के अरसे के अंदर एक नौजवान जो है वो बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग हासिल करके, ऑल अराउंड पाकिस्तान जो है वो फ्री ट्रेनिंग हासिल करके इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपनी अर्निंग शुरू करे। और उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि एक ऐसा बंदा जो एमए कर रहा होता है, जो 16 साल अपनी एजुकेशन को दे रहा होता है, और यहाँ पे वो 5 जमात के बाद भी 6 माह की या 3 माह की स्पेसिफाइड स्किल हासिल करके अर्निंग शुरू कर सकता है, जबकि ऑन द अदर साइड 16 जमातें पास करने के बाद भी वो इस पोजीशन में नहीं आ रहा होता कि अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सके। तो अगर कोई जो है आज के दौर के अंदर जो है, मैं ये कहता हूँ कि क्विकली अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहा है, चाहे उसकी एजुकेशन जो है वो 5 माह है, उससे कम है, या मैट्रिक है, एफए है, बीए है, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स यही है कि वो कोई खास स्किल जो है उसको एक्वायर करे और फिर उस स्किल का यूज करते हुए जो है अपनी अर्निंग को जो है वो स्टार्ट कर दे जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो इसकी तरफ जो है बहुत कम जो है वो तवज्जो जो है वो दी गई, ज्यादा जो है वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो दी गई, वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो ज्यादा पैदा करने की कोशिश की गई, लोगों ने बहुत पैसा और बहुत वक्त जो है वो बर्बाद किया ऐसी एजुकेशन हासिल करने के लिए जिसको हासिल करने के बाद ज्यादातर लोग जो हैं वो इस पोजिशन में नहीं आते कि किसी जॉब को सिक्योर कर सकेंगे, राइट। तो गवर्नमेंट की तवज्जो इसकी तरफ जो है वो बहुत कम है और बहुत कम जो है वो रही है, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो है वो गवर्नमेंट इसकी तरफ ज्यादा जो है वो रुझान किया है, अब इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और स्पेशली जो है कुछ इंटरनेशनल फोरम जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि इसकी अहमियत जो है वो पहले से काफी जो है वो बढ़ गई है। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर का के अंदर जितनी इनरोलमेंट होती है उसका जस्ट 2% के करीब जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर जो है वो आ रहा है। अगर बजट को भी देखा जाए तो वो भी ऑलमोस्ट को इतना ही परसेंटेज जो है वो बन रहा है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज है। आप देखेंगे आप इतनी व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते इकोनॉमी के अंदर जो है, आपकी जो जो इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर इतनी व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती, लाखों लोगों को जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो फिर एक उसके पीछे फिर एक क्या चीज बचती है, उसके पीछे यही है कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद एक तो ये कि इंडस्ट्री को जो स्किल्ड लोग चाहिए वो मिल जाएंगे, और जो लोग जॉब नहीं करना चाहते वो बड़ी आसानी के साथ जो है बहुत कम सरमाया के साथ जो है अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, और ना सिर्फ ये कि हम ये कहते हैं कि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर जो है वो हो जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर हो जाते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लेने के बाद और फिर अपना कारोबार शुरू करने के हवाले से, राइट। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक भी ये नेग्लेक्टेड जो है वो साइड है। सही। अच्छा नाउ कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, मैं स्किल्स पे मैंने भी काफी काम किया, मेरे इदारे ने भी काफी काम किया, और हमने कुछ एक साउथ ईस्टर्न रीजनल कॉलेज के साथ पार्टनरशिप भी की हुई है। जरा ये स्किल्स को आम अल्फाज में लोगों के लिए बयान करें, स्पेशली फॉर द लिसनर्स एंड व्यूअर्स हु आर वाचिंग, ये स्किल्स या स्किल बेस्ड नॉलेज क्या है बिगर ऑन अ बिगर पिक्चर, और इसमें कौन कौन से शोबे आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इंटरनेशनली ये किस तरह काम करती है, और इसके कोर्सेज किस तालीम के बाद किए जाते हैं या आया बगैर किसी तालीम के भी किए जा सकते हैं, थोड़ी सी इस पर गाइड करें। जी जी जरूर। देखिए स्किल तो सिंपल, कोई भी हुनर सीख लेना उसको वो स्किल कहलाता है,
किसी भी एक खास काम को सीखने की महारत को आप स्किल कहते हैं, राइट। फर्ज कर लेते हैं कि हम जो है आपने एम एस ऑफिस कंप्यूटर के ऊपर जो है शुरू कर लिया, सीख लिया, तो ये एक आपके पास जो है वो स्किल है। अगर किसी को स्टिचिंग करने आती है तो ये भी एक स्किल है। इसी तरह से किसी को जो है मोटरसाइकिल को वो रिपेयर कर लेता है तो वो भी एक स्किल है। अगर वो ऑटो मैकेनिक है तो वो भी एक स्किल है। तो इस तरह से किसी भी किसी काम को करने की जो महारत है उसको हम जो है वो स्किल कहते हैं। अब जो दूसरी बात ये आती है कि स्किल हासिल करने के लिए एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की स्किल जो है वो हासिल कर रहे हैं। बहुत सी बुनियादी स्किल्स हैं जो कि जिसके लिए सिर्फ आपको लिटरेट होना चाहिए। इवन आप लिटरेट भी नहीं है तो फिर भी आप उस स्किल को जो है वो सीख सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो खवातीन जो है वो ड्रेस मेकिंग के शोबे को सीख सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी की स्किल जो है वो हासिल कर सकती हैं। इसी तरह से अगर कुछ वो लिटरेट हैं तो वो ब्यूटिशियन की स्किल हासिल कर सकती हैं और वो बहुत सक्सेसफुल है उसके अंदर जो है। इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिशियन, अगर 5 माह वो पास हैं या 8 क्लास तक पढ़े हुए हैं तो वो इलेक्ट्रिशियन की स्किल जो है वो हासिल कर सकते हैं और ऑटो मैकेनिक में जा सकते हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो है वो जा सकते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जो है कुछ स्किल्स हैं उनको सीखा जा सकता है, ICT से रिलेटेड जो है कुछ स्किल्स हैं उनको सीखा जा सकता है। तो लाइक हमारे पास जो कोई इस वक्त जो है 100+ के करीब हमने जो कम्पिटेंसीज हैं वो डेवलप किए हैं, उनके कोर्सेज वगैरह डेवलप किए हैं जिनकी हम जो है वो ट्रेनिंग फार्म कर रहे हैं। और मैं इसमें जो आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो स्किल है उसको देखा जाता है कि जो नीड बेस्ड होती हैं, जो डिमांड ड्रिवन स्किल्स होती हैं वही ऑफर की जाती हैं। अगर हम बात करें तो लाहौर के अंदर हम कुछ और ऑफर कर रहे होते हैं, सियालकोट में कुछ और ऑफर कर रहे होते हैं, रावलपिंडी में कुछ और ऑफर हो रहा होता है, इसी तरह साउथ के अंदर कुछ और ऑफर हो रहा होता है। जो जहाँ पे लोकल डिमांड है उसी के मुताबिक कोर्सेज जो है वो डिजाइन किए जाते हैं और उन्हीं कोर्सेज को फिर जो है वो ऑफर किया जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर एजुकेशन के हवाले से इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास जो है कुछ मिनिमम हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि जो ICT रिलेटेड ट्रेड हैं उनके अंदर जो मिनिमम मैट्रिक है और बाकी कुछ शोभा जात के अंदर मैट्रिक से कम तालीम वाले लोग भी जो है वो आ सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि स्किल के अंदर अब इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि लोग इवन मास्टर्स करने के बाद भी ये स्किल सीखते हैं और उसके बाद फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू करते हैं। ये बहुत अहम बात है, इस पे क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है, वो भी हम करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में स्किल्स यानी कि आप फॉर्मल एजुकेशन की बजाय कोई आप एक हुनर सीखें और उस हुनर को लेकर आगे चले, इसमें बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी हैं और सरकारी भी हैं। सरकार की बात करें तो पंजाब लेवल पर टेफ्टा है, फिर उसके अलावा नैफटेक से रजिस्टर्ड इदारे जो पाकिस्तान में ओवरऑल बॉडी है, और फिर बहुत से ऐसे इदारे। मेरा एक बहुत अहम क्वेश्चन है, मेरा नॉर्दर्न आयरलैंड जाना हुआ, मैंने वहां पे स्किल्स बेस्ड इदारों में गया और मैंने ये देखा कि वो सारे स्किल्स बेस्ड इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट फंडिंग से चलते थे, ठीक है। हमारे यहाँ सरकार जाहिर सी बात है खास हद तक तो फैसिलिटेट करती है, लेकिन उस अंदाज में नहीं कर पाती कि उसको बकायदा हुनर को सिखाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर इसमें भी थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है उस लेवल पे ये बात पहुंची नहीं है। तो क्या ये एक टैबू जो बना हुआ है कि जी ये जो स्किल बेस्ड नॉलेज है ये तो एक ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए है, ये तो इस तरह इस किस्म की जॉब्स के लिए है, इसमें तो कोई हाई एंड पोटेंशियल नहीं है, क्या ये टैबू ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ये जो जिसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं, जो स्किल जॉब्स हैं ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो कही जाती हैं, और लोग इसको पसंद नहीं करते, यानी ये उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस नहीं है। मतलब आप देखें कि हमारी हालत क्या हो चुकी है, ये इसी जो टैबू की आपने बात की इसकी बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा मरी में था, मैं एक इंस्टीट्यूशन विजिट कर रहा था, तो वहाँ पे एक जो है वो साहब आए और उन्हें मुझे एक एप्लीकेशन जो है वो दी कि जी ये मेरे बच्चे की एप्लीकेशन है, तो अगर आपके पास कोई सरकारी नौकरी मिले तो आप इसको जो है वो रख लीजिए, कोई दर्जा चहरम की नौकरी मिले तो उसको रख लीजिए। तो मैंने उसकी वो जब उसकी जॉब देख एप्लीकेशन जो देखी उसकी CV चेक की तो उस बच्चे ने DA किया हुआ था। अब DA करने के बाद वो बच्चा जो है ये कह रहा है कि मुझे जो है आप कोई दर्जा चहरम की भी नौकरी दे दें तो मैं वो करने के लिए जो है वो तैयार हूँ, राइट। तो लोग जो है ना वो आई डोंट नो कि वो ट्रस्ट नहीं करते कि जी उन्हें अपनी सलाहियतों पर इतना भरोसा नहीं होता कि वो लोग जो हैं एक स्किल सीखने के बाद आगे उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और उससे अर्निंग जो है वो करें। देखिए जॉब और के हवाले से जो है एक बात मैं क्लियर कर दूं, स्पेशली ये जो सरकारी नौकरी के हवाले से मैं ज़रूर अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकारी नौकरी में ये कहा जाता है कि जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन उसके मुकाबले में ग्रोथ नहीं है, राइट। एक बंदा अगर दर्जा चहारम की नौकरी 20,000 से शुरू कर लेता है
तो वो 20 साल बाद जो है वो 30,000 35,000 पे पहुंचता है, जबकि 20 साल बाद उसके जो खर्चे हैं, शादी, उसके बच्चे, बच्चों की आगे स्कूलिंग जो है और बाकी सारे मामला, तो बहुत बढ़ जाते हैं। तो शुरू में तो वो 20,000 जब वो कमा रहा होता है, यंग होता है, अकेला होता है, तो वो बड़ा उसके अंदर चार्म नजर आता है। ऐसे ही हमारे जो 16वें ग्रेड में 17वें ग्रेड में जो है यंग लोग जाते हैं, तो वो उस वक्त उनको लगता है कि ये अच्छी खासी रकम है और हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद इसके अंदर जो है वो उतनी ग्रोथ नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, और फिर वो लोग, उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि पब्लिक सेक्टर वही लोग ज्वाइन करें जिनके अंदर जो है वो पब्लिक को सर्व करने का जज्बा जो है वो मौजूद हो, और उन्हें पहले से ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है वो मेरी सैलरी जो है वो क्या होगी, मेरे एक्सपेंस क्या होंगे, और मैं उनको किस तरह से मीट करूंगा, बजाय इसके कि फिर जॉब करने के बाद, सरकारी नौकरी करने के बाद फिर किसी गलत काम किए जाएं जिससे जो है वो जाहिर है सरकार का शोभा भी बदनाम होता है और अपना रिस्क भी जो है वो खराब होता है। तो ये बिल्कुल अच्छा, ये एक नदीम, हमारे पास एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, मुझे आपकी, आई कैन रेफर टू योर पॉइंट एज वेल। हमारे पास एक क्वेश्चन है शाज़िया बुखारी का, शी सेइंग, बड़ा अहम क्वेश्चन है, लेट सपोज अ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड कंप्यूटर कोर्स इन एकेडमी और फ्रॉम वोकेशनल स्कूल। वो ये कह रही है कि फर्स्ट करें एक बच्चा जो है वो किसी स्कूल से, किसी जगह से कंप्यूटर कोर्स करता है, वो सारी खूबी सीख जाता है जो किसी इदारे में जाएगी, लेकिन हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रेफर दीज ग्रेजुएट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स, organizations would like graduates from skills and with official degrees also. यानि उनके पास एक degree होनी चाहिए, in short. ये बड़ा अहम question है. इसमें आपका क्या ख्याल है? वो degree पे जाना चाहिए या skill पे जाना चाहिए? देखिए, ये जो skilled jobs हैं, उसके अंदर certificates जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है? और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि टैप्टा है या पीवीटीसी है, पीएसडीएफ है, ठीक है, इसी तरह से बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी जो है वो बॉडीज मौजूद हैं जो कि इम्तहान लेने के बाद सर्टिफिकेट देती हैं, और वो सर्टिफिकेट बकायदा जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्सेप्ट करती हैं, उसके अंदर कोई जो इशूज नहीं आ रहे जो है। और ये जो सर्टिफिकेट के इशू आते हैं, ये ज्यादातर जो है वो आ रहे होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है। जब अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो वहां तो वो इस बात को ज्यादा अहमियत देते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं उनका, और वो ये चेक कर लेते हैं कि ये बंदा जो है इस काबिल है कि ये काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, राइट? तो वहां पे जो सर्टिफिकेट है उसकी सेकेंडरी हैसियत है, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर में आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे इसकी जो है वो प्राइमरी हैसियत है। लेकिन वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं और वो बकायदा उसको तमाम पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। सही, सो बोथ द थिंग्स फॉलो इन द सेम कैटेगरी और सेम वर्किंग। अच्छा, मैं जो आपसे मैंने जिक्र किया कि मेरा, क्योंकि बैरून मुल्क सफर हुआ, मैंने वहां देखा जो स्किल्स बेस्ड इदारे, एक और मेरा बड़ा अहम सवाल है कि क्योंकि पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम और दो यक तर, मतलब दो तरह के तालीमी निज़ाम होने की वजह से हम अभी भी कहेंगे दो तबकात में हम बटे हुए हैं। यहाँ ये स्किल्स बेस्ड लोगों को तो ब्लू कॉलर की जॉब है, लेकिन ये हाईली पेड जॉब्स नहीं है। अगर अब आप यूके में जाएं या किसी और मुल्क में जाएं तो वहाँ मुआवजा भी उसी अंदाज में मिलता है, चीजें भी उस अंदाज में मिलती है। जब ये उतनी हाईली पेड जॉब्स नहीं होती तो इसको गरीबों का, मतलब स्किल्स को सिर्फ गरीबों के लिए बना दिया गया, या उन लोगों के लिए, जो मैं बेहतर अल्फाज अगर इस्तेमाल करूँ, कि जो जिनके वो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो चलो वो स्किल में चला गया और उसने कोई स्किल अडॉप्ट कर ली। एक हद तक तो ये बात ठीक है, चले हमारी यूथ किसी किसी तरफ लगे और कोई काम करने की पोजीशन में आए, लेकिन फिर यहाँ उस किस्म के लोग नहीं आते, या आप समझते हैं कि उनकी जरूरत ही नहीं है कि जो थोड़ा ब्रेनी लोग हो? देखिये, ये थोड़ा सा मैं अगेन वही टैबू वाली बात है कि ऐसा नहीं होता कि जो ब्रेनी लोग हैं वो जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में नहीं आते। देखिये, अल्लाह ताला ने इंसान को डिफरेंट सलाहियतों के साथ जो है वो पैदा किया हुआ है, और हो सकता है कि एक बंदा फॉर्मल एजुकेशन में इतना एक्सेल नहीं करता, लेकिन जब वो वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है और वो उसके हार्ट के बहुत क्लोज होती है तो वो उसमें बहुत ज्यादा आगे जो है बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पिछले दिनों मेरी जो है मुलाकात एक खातून से हुई, और वो खातून जो डाइवोर्स थी, एक बच्ची की माँ थी, एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो बेटी हैं, मुश्किल में आई, और उसने जो है स्टिचिंग का उसे शौक था, उसने 6 माह का कोर्स किया, उसके बाद एक फैक्ट्री में उसने जो है वो 1.5 साल जॉब की, और वहीं जॉब से उस खातून ने ऑर्डर पकड़ना शुरू किए, और आज विद इन 5 ईयर्स माशाल्लाह उसके 2 स्टिचिंग यूनिट है और 50 के करीब उसके पास लोग जो है वो काम कर रहे हैं उसके पास जो है, और उसने अपनी पूरी फैमिली को भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व जो है वो किया हुआ है। तो
ऐसी बात नहीं है कि इसमें ब्रेनी लोग नहीं आते, देखें जिसके पास भी ब्रेन है वो ब्रेनी है, ठीक है। अब बात यह है कि वो ब्रेन उसके इंटरेस्ट के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये तो एक एक मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। अब हम दूसरी बात के ऊपर आते हैं, ये आपने बहुत वैलिड बात की कि हमारे यहाँ जो जॉब्स हैं, जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए जॉब्स में इतनी सैलरी नहीं दी जाती है। मैं अगर हमारी जो यहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं उनकी भी बात करूँ, तो इवन जो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जॉब का कि जी इतनी सैलरी आप देनी है, वो सैलरी भी नहीं दे रहे होते हैं। तो लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो छुपी हुई है ना, वो ये है कि अगर 2 से 3 साल जॉब कर ली जाए और जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, आपकी स्किल्स और मेच्योर हो जाती हैं और आप थोड़ी सी पब्लिक डीलिंग भी सीख लेते हैं, तो देन क्विट द जॉब एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और स्किल्स में यही हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है स्किल्स के हवाले से जो है वो ये है कि जी 3 months, 6 months, 1 year स्किल हासिल करें, और वो स्किल हासिल करें जो आपके हार्ट के करीब है, जिसको करने को आपको जो है वो दिल करता है, ठीक है। आपको दोस्त ने बता दिया जनाब कंप्यूटर में स्किल हासिल कर लें, आप कंप्यूटर में चले गए और वहां जाके जनाब आप परेशान हो गए कि ये काम पे आ गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप ऑटो मैकेनिक में बहुत अच्छे चल सकते हो, ठीक है। तो जरा चेक करें अपने आप को, जरा टटोलें कि कौन सी स्किल है जो आपके हार्ट के करीब है, उस स्किल के अंदर ट्रेनिंग हासिल करें, और उसके अंदर फिर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि शुरू में जॉब में ना जाएं अगर आपका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है। आप 1 साल से 2 साल जॉब करें, जॉब के अंदर जो है आप ज़ाहिर कुछ आपके पास पैसा भी जमा हो जाएगा, आप मेच्योर भी हो जाएंगे, आपकी स्किल भी बहुत बेहतर हो जाएगी, आप कस्टमर डीलिंग भी सीख लेंगे, एंड देन अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट ओन बिजनेस। जो है सारी उम्र जो है मैं नहीं समझता कि जॉब के अंदर जो है उनको गुजारनी चाहिए। और बहुत शानदार एग्जाम्पल जो है मेरे पास मौजूद हैं कि जो है, और उन्होंने इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और आगे 2, 3, 4, 5, 10 लोग उन्होंने आगे इम्प्लॉय किए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स की तरफ जो है वो लेके जाती है, राइट। ये अनएम्प्लॉयड को सेल्फ एम्प्लॉयड बना देती है, राइट। तो इन द बिगनिंग आपकी बात ठीक है कि जी वो मतलब इश्यूज आते हैं, लेकिन भाई हमने इश्यूज में स्टक क्यों होना है जो है। इसीलिए तो लाइफ स्किल्स को साथ ऐड किया जाता है ताकि जो है नौजवानों को उनको बता दिया जाए कि भाई आपने आगे किस तरह से जो है बढ़ना, एक ही जगह पे आप नहीं रहना। एग्री, मैं इस बात से थोड़ी एग्री करता हूँ। अच्छा नदीम, मैं क्योंकि आप यूथ के साथ काम करते हैं, यू आर अ लाइफ कोच आल्सो, और यू कैन गाइड बेस्ट फॉर द यूथ। मैं थोड़ा सा यूथ की इस वर्किंग की तरफ भी आता हूँ कि स्किल्स के साथ आपने बहुत सारी गवर्नमेंट साइड पर रह के यूथ को देखा भी है, कोचिंग भी आपने की हुई है, कोचिंग का डिप्लोमा भी आपके पास मौजूद है, यूर अ लाइफ कोच यूर सेल्फ ऑल्सो, आपने काफी क्लोजली यूथ के साथ काम करके देखा होगा। तो किस किस्म की लाइफ स्किल्स की मैं बात करूं या ओवरऑल स्किल्स की मैं बात करूं, तो आप क्या समझते हैं हमारी यूथ को किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली? अब मैं सिर्फ टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स के अलावा भी बात कर रहा हूँ। आपने क्या देखा कि जिन यूथ को आपने देखा है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी दूसरी जुबान को नहीं बोल सकते, ये क्या वो बुनियादी चीजें हैं जो उनके सक्सेस में अहम किरदार अदा करती है? जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू दानियल फॉर दिस। पहले मैं थोड़ा सा आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट समझा दूं और अपने सुनने वालों को भी, ताकि उनको अंदाजा हो कि क्या हो रहा है। देखो, एजुकेशन जो है ना, कोई भी एजुकेशन जो है ना, अगर उसको देखें तो उसके 4 मेन चीजें हैं जो एजुकेशन ने करनी होती है। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी होती है, ठीक है, जो ज़ेहन से जिसका जो है वो ताल्लुक है। सोशल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन ने करनी होती है, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट एजुकेशन ने करनी होती है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है, ये भी एजुकेशन का पार्ट है। आप बाहर जाते रहे हैं और आप देखें कि वहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो तब तक पास नहीं कर सकते जब तक फिजिकल एजुकेशन में भी वो कोर्स क्लियर नहीं कर पाते, राइट। तो ये 4 चीज़ें जो है वो एजुकेशन ने करनी होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर कॉग्निटिव भी किसी हद तक जो है वो की जा रही है, और बाकी जो 3 थिंग्स जो हैं उनको मैं लाइफ स्किल्स के साथ जो है वो रिलेट करता हूँ, और उनके ऊपर किसी किस्म का फोकस जो है वो नहीं किया जा रहा। जब हम कहते हैं कि तालीम और तरबियत, तो तालीम तो चले हम दे रहे हैं किसी ना किसी तरह से, वो जो तरबियत है बेसिकली वो लाइफ स्किल्स है, जिसको किसी तरह से भी जो है वो नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो ये तो हमारे एजुकेशन की सूरत हाल है कि वहाँ पे कॉग्निटिव स्किल्स, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं दी जा रही। आपको पता ही है, रटा है और नोट्स तैयार करवाए जाते हैं और चीज़ें रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम इतना पुअर है कि बच्चे की जो रियल इंटेलिजेंस है वो सामने नहीं आती जो है, राइट। तो नंबर्स की ज्यादा रेस है, लर्निंग जो है वो कहीं
दूर चली गई है, तो इसे सारे मसाइल जो है अपनी जगह जो है मौजूद है। और बच्चे FSC करते करते जो है वो फिजिकली तो बेचारे जो है उनका बुरा हाल जो है वो हो जाता है। तो ये एक जो है वन साइड ऑफ द स्टोरी है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे नौजवानों का क्या हाल है? मैंने कोई 500,000 जो है वो बच्चों के साथ, यूथ के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और बहुत करीब से उनके साथ जो है वो काम किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए अपने पिछले 15 साल करियर के अंदर जो है। तो मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की जो कि यूथ को जरूरत है और वो ये कॉमन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हमारी यूथ के पास जो है वो कोई गोल नहीं है, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आज अल्लाह ताला कोई एक यहाँ पे कोई ऐसा जिन भेज दें या ऐसी कोई शख्सियत भेज दें और आके नौजवानों से ये सवाल करे कि भाई नौजवानों मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी वो एक चीज चाहिए मेरे से जिसको तुम लेके कामयाब हो जाओगे, या तुम क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, मुझे फौरी बताओ, मैं तुम्हें वो चीज अभी दे देता हूँ। तो मैं आपको गारंटी से ये कहता हूँ कि 95% नौजवानों के पास इस सवाल का जवाब नहीं हुआ। वो कहते अभी अब सोचा ही नहीं है, जब सोचेंगे तो फिर दोबारा जरा हमसे जो रابطہ करना चाहिए। गोल्स क्लियर नहीं है, पहली बात जो गोल्स क्लियर नहीं है हमारे नौजवानों के, स्वाय इसके कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ठीक है, और वो भी अपने गोल नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से थोपे जा रहे होते हैं। तो पहली चीज गोल्स क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो है ना, जो कि मैं समझता हूँ इससे भी पहले आती है, वो ये कि नौजवानों की सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत लो है। ये मैं बहुत हैरान हुआ, और मैंने ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी बात की, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट से भी बात की, वोकेशनल के स्टूडेंट से भी बात की, यानी हर जगह पे ये बहुत बड़ा एक इशू है कि बच्चों की सेल्फ स्टीम जो है, जिसको इज्जत नफ्स कहते हैं या अपनी नजर में उसकी क्या वैल्यू है, ये मैंने देखा कि ये बच्चों की बहुत जो है वो लो है, हमारे यूथ की जो है वो बहुत बहुत लो है। जब आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते जो है, फिर आप बड़े फैसले नहीं कर पाते जो है, फिर आपको जो है वो 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद अंधेरा जो है वो नजर आता है, फिर आप नेगेटिविटी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो ये दूसरा जो है वो सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो ये है कि हमारे बच्चों की सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत लो है, गोल्स उनके पास जो है वो मौजूद नहीं है। और फिर तीसरी जो बात है, और जो ऊपर दो चीजें होने की वजह से तीसरी चीज भी हो रही है, वो ये है कि वो ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं जो कि उनको तबाही की तरफ ले जाती है, जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं, वो जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकल नेग्लेक्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से कामों के अंदर जो है, बजाय इसके कि वो अपनी हिफाजत करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करें, वो ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं जो उनको तो दिन ब दिन जो है वो वीक कर रही होती है। और जाहिर है जब सेल्फ स्टीम लो होगी तो कॉन्फिडेंस भी जो है वो लो होगा, जब गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, जब ये दोनों चीजें नहीं हो रही होंगी तो फिर आप जाहिर है वक्त गुजारी करेंगे, वक्त गुजारी करने के लिए आप गलत लोगों में पड़ जाएंगे, गलत लोगों में पड़ जाएंगे आप, तो फिर जाहिर हैबिट्स जो आपकी जो है वो गलत से गलत जो है वो होती जाएंगी। तो ये है मैं समझता हूँ जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे नौजवानों के जो है वो बड़े मसाइल में से ये जो है मसाइल। सब पे तो ये जाहिर है सादिक नहीं है, लेकिन अक्सरियत के साथ ये मसले इस वक्त जो है वो पेश आ रहे हैं। अच्छा, एक मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है नदीम, मैं 2 इदारे चलाता हूँ और उसमें हायरिंग करने के प्रोसेस से गुजरता हूँ, और जब टीम मेरी हायर वर्किंग हो रही थी, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ टेक्निकल नॉलेज पे तो फोकस बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, इखलाक क्या है, किस अंदाज में, कॉन्फिडेंस की कमी, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब क्या इसका सारा का सारा ब्लेम इदारों पे देना चाहिए कि जहां इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस ग्रूमिंग पे कोई काम ही नहीं करता? देखिए, अच्छा बोलना और अच्छा पहनना, और उससे पहले की एक चीज है अच्छा सोचना। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी जो है, जिसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल्स जो है, आप देखे ना हमारे यहाँ जो है इंटरपर्सनल स्किल्स पे बहुत फोकस किया जाता है, जी दूसरे के साथ किस तरह बातचीत करनी है, लेकिन भाई अपने साथ जो है वो कैसे आपने कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, ये बहुत ज्यादा अहमियत की जो है वो चीज है। और हमारे नौजवानों को बेसिकली सोचना नहीं सिखाया जाता जो है, कि किस तरह से वक्त के साथ साथ अपनी सोच को बेहतर जो है वो बनाना है। और बदकिस्मती से हमारे नौजवानों की जो सोच है वो वक्त के साथ साथ बेहतर होने की बजाय जो है वो खराब होती जो है वो जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा सिरे से जो है, और वो खुद उनके अंदर इतना शऊर नहीं है, खुद उनके अंदर वो डिजायर नहीं है, या उनको क्या कहते हैं कि वो रास्ता उसको मालूम नहीं है जिसके ऊपर चल के वो अपनी सोच को जो है वो बेहतर कर सकें जो है। तो ये सोच का जो मसला जो है ना, ये बहुत है। और मैंने जो पहला काम किया है नौजवानों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो यही है
कि नौजवानों की सोच को मैंने जो है वो बेहतर किया है, उनकी सेल्फ स्टीम जो है उसको मैंने जो है वो बेहतर किया है। क्योंकि जब सोच बेहतर हो जाती है तो फिर आपके जो बिहेवियर हैं वो खुद ही ठीक होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो जो दूसरी बात आपने इसके साथ की कि किसका कसूर है जी कि जो नौजवान जो हैं जो इस सूरतेहाल से गुजर रहे हैं, मैं एक दफ़ा रहीम यार खां में था, वो 300 के करीब कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और मैंने उनसे ये सवाल किया कि बताएं वो कौन सी एक स्किल जो है वो या एक चीज़ आपको मिल जाए तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो तकरीबन अक्सरियत ने यही कहा कि कॉन्फिडेंस जो हमें मिल जाए तो हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आना है, अगेन उसके पीछे भी वो सोच है जो उनको रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। तो अब ये जो कहाँ से ये चीजें जो आएंगी, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दो चीजों का बड़ा अहम रोल होता है, एक को हम नेचर कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं नर्चर कहते हैं। ठीक है, नेचर आपके जीन्स हैं और नर्चर आपकी एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब जो है कि जो चीजें जीन्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो तो चले ठीक है मौजूद है, उसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है। कुछ लोग ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं नेगेटिविटी की तरफ जो है, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ये बात तो चले ऐसी है जो हम कह सकते हैं किसी हद तक कंट्रोलेबल है, आपके जीन्स के अंदर चीजें जो है मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो अहम चीज है वो है आपकी एनवायरनमेंट, जो नर्चर जिसकी मैंने जो है वो बात की है। ठीक है, मैं एक आपके सामने अगर सवाल रखूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जो है वो उसके अंदर नेगेटिविटी माइट भी ज्यादा हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहे तो क्या वो नेगेटिव बनेगा या उसकी नेगेटिविटी किस हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगी? अब इसको अगर हम उल्टा कर लें, अगर हम उल्टा कर लें, एक बंदा बहुत पॉजिटिव है, उसके जीन्स के अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है, लेकिन वो एनवायरनमेंट नेगेटिव के अंदर रहे तो आप देख सकते हैं कि उसका जो है वो क्या हाल होगा। वो कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अगर आप अच्छों में हैं तो अच्छे हो जाएंगे, आप बुरों में हैं तो आप जो है वो बुरे हो जाएंगे, राइट। कहते हैं यू आर एन एवरेज ऑफ 5% विद होम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम आगे लेके चलें तो फिर ये जो एनवायरनमेंट है इसको कैसे क्रिएट करना है। चलें ठीक है, जब तक तो बच्चा था तब तक तो ठीक है बात, लेकिन अब अगर आप 18 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं और अल्लाह ताला ने आपको अकल दी, उसका आप इस्तेमाल करते हुए ऐसी सूरत हाल अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हो, आप जो बुक्स पढ़ें वो पॉजिटिव हों, आप जिन लोगों से मिलें जो है वो पॉजिटिव हों, आप जो मूवीज या ड्रामाज वगैरह देखें जो है वो पॉजिटिव हों, तो मैक्सिमम टाइम अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारें और अपनी एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट कर लें, आपके फेसबुक के फ्रेंड्स जो हैं वो ऐसे हों कि जो पॉजिटिव लोग जो हैं, तो वेयर एवर यू फील कि नेगेटिविटी है आप उससे दूर हो जाएं और जहां भी पॉजिटिविटी मौजूद है आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जो है आगे बढ़ते बढ़ते ये जो नेगेटिविटी आपको पीछे खींचती है, जो रोक लेती है, इससे आप जो है ना वो बार बार आप एफर्ट करते हैं उस नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में जाने की। तो थोड़ी सी अगर एफर्ट कर लें आज के नौजवान और ऐसी पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट कर लें, घर के अंदर भी अगर नहीं है तो वो ऐसी बुक्स घर में रख लें जिनको ज्यादा से ज्यादा वक्त उनको पढ़ने में गुजारें, और इसी तरह से बाहर जो दोस्त हैं उनको ज़रा चेंज कर लें और ऐसे पॉजिटिव दोस्त रखें जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं और पॉजिटिव काम जो है वो करना चाहते हैं। तो इस तरह से एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जा सकती है कि जहाँ से बच्चे जो हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं किसी भी नौजवान के लिए, किसी भी इंसान के लिए। उसमें एक तो जाहिर उसकी मजलस है और मजलस में घर भी शामिल है और बाहर के लोग भी शामिल हैं, और दूसरी चीज़ उसका जो है वो मस्जिद है जहाँ से वो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है बाकी चीज़ें जो है वो ले रहा होता है, और तीसरी चीज़ जो है वो मकतब है। ठीक है, तो ये तीन आपके मेन जो है वो सोर्स हैं या इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जो है वो आप परवान चढ़ रहे हैं। तो आप देख लें मजलिस का क्या हाल है आज की जो 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 मैं सारी नहीं कहता, लेकिन जो हमारी जो ज्यादातर माएँ हैं वो या हमारे जो 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 नौजवानों के जो वालदैन हैं वो किस हद तक पॉजिटिव हैं। ठीक है, मतलब आप देखें कि मैं आपको एक छोटी सी अगर मिसाल दूँ इसकी जो है, तो मुझे एक दफ़ा ये बताया गया कि जी एक साहब थे और उसने कोई रिश्वत ली किसी से और अगले दिन उसके बच्चे की जो है वो टांग टूट गई, और वो जो रिश्वत के पैसे थे 15-20 हज़ार जो लिया था वो उसकी टांग पे लग गए, और वो अब अपने दोस्त से ये बात ये कह रहा है कि देखो अल्लाह ने मेरे पे कितना करम किया कि जी ये 15 हज़ार मेरे जो है जो आज लगे हैं ये अल्लाह ने कल ही मेरे लिए जो है वो बंदोबस्त कर दिए थे। तो ये एक सोच है। तो मैंने उस दोस्त को ये कहा कि मैंने कहा आपने उसको ये नहीं कहा कि भाई हो सकता है कि अगर तुम ये 15 हज़ार ना लेते तो तुम्हारे बच्चे की टांग ना टूटती जाए। तो ये
आप कैसे सोचते हैं हर सिनेरियो के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा काउंट करता है। और आज के जो जो वालदैन हैं बदकिस्मती के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ऐसे रिसोर्सेस या ऐसे सोर्सेज के जरिए जो है इनकम जो है वो लेके आ रहे हैं घर, और वो उसके अंदर कह रहे हैं कि जो बच्चे जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएं, हालांकि वो ये नहीं सोचते कि ये जो गलत काम वो कर रहे हैं अल्टीमेटली इसका जो है वो नुकसान जो है हमारे बच्चों को ही होगा और वो इस पोजीशन में नहीं आएंगे कल को इवन वालदेन को संभाल सकेगा। तो आप देखिए मजलिस की जो मैंने बात की तो घरों के अंदर जो है वालदेन को ये रोल प्ले करना चाहिए कि वो पॉजिटिव हों। अगर किसी के वालदेन नहीं है तो अभी जो नौजवान सुन रहे हैं वो अपने आप को पॉजिटिव करें और फिर वो भी एक पॉजिटिव वालदेन बनने की कोशिश करें फ्यूचर के अंदर जो है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए आप गलत तरीके से क्या कहते हैं ऊपर तो जा सकते हैं लेकिन ऊपर ज्यादा देर आप गलत तरीके से स्टे नहीं कर सकते जा, ठीक है। और जब आप गिरते हैं ना वो धड़ाम से नीचे जरूर गिरते हैं क्योंकि पीछे नीचे से बेस जो है ना वो आपकी बहुत कमजोर हो रही होती है, राइट। तो इसलिए कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, किसी हवस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करें, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जिसको जो मेहनत करता है अल्लाह उसको जो वो देता है, और अल्लाह पे जो है वो कीता रखें, मेहनत करें और बच्चों की जो किस्मत है उनको मिलकर मिलके रहेगा, आपको कोई फिक्रमंद होने की जो है वो जरूरत नहीं है। आप अपनी एफर्ट पूरी करें, बाकी बच्चों की तरबियत करें, बच्चे इंशाल्लाह खुद मेहनत करेंगे और हालात जो है वो घर में लेके आएंगे। तो ये तो मजलिस की बात हो गई जो है, और वो इसी तरह से दोस्त यार बाहर हैं, अब दोस्त जा रहे होते हैं, एक बच्चा रेडी से बारूद उठाता है और वो जो रेडी वाले को पता नहीं चलता और वो जो है बाकी जो दोस्त है वो खुश होकर कहते हैं यार तू तो बड़ा कमाल का चीता है यार, ऐसा फनकारी का काम जो है वो कर जाता है, बट उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो ऐसा ऐसा किस तरह से उसकी जो वैल्यूज डाउन हो रही है, किस तरह से अखलाकी इकदार को वो इन्हीं छोटी छोटी हरकतों से जो है वो खो देगा। जबकि दूसरी साइड पे ऊपर अगर ऐसा नौजवान है वो किसी बूढ़े को सड़क पार करा देता है, अपनी पॉकेट मनी से बूढ़े की हेल्प कर देता है, तो उसमें देखें कि उसकी कितनी वैल्यूज डेवलप हो रही है, उसकी कितनी अकदार जो है जो वो डेवलप हो रही है। तो ये फर्क है वो मजलिस का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का, जो कि हमारे नौजवानों को जो है वो समझने की जरूरत है। और मकतब में तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या हो रहा है, और मस्जिद के ऊपर जो है मैं ज्यादा तबसरा करना नहीं चाहूंगा, वो आप बहुत बेहतर समझते हैं। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन आपने की। ये इस पूरे सिनेरियो में वक्त तब्दील हुआ, सोसाइटी बदली, तो हमारे हाथ में कलम की बजाय सेलफोन आ गया, ठीक है जी? और सेलफोन पे हम क्या देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग भी तब्दील हो गई, ठीक है। वालदैन के पास भी उस सेलफोन से हटने का टाइम नहीं है, तो इस तरबियत में इस सोशल मीडिया का क्या किरदार है? और आप बीइंग अ लाइफ कोच, हाउ डू यू सजेस्ट के व्हाट आर द स्किल्स व्हिच द यंगस्टर्स नीड टू नो अबाउट सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन? जबरदस्त बात यह है कि देखिए सोशल मीडिया जो है ना ये अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, जाहिर है आप इसको अच्छा इस्तेमाल करें तो ये अच्छा है, अगर आप बुरा इस्तेमाल करेंगे तो बुरा है। मतलब मेरे जो फ्रेंड लिस्ट है उसके अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मैं समझता हूँ कि जिसकी कोई पोस्ट ऐसी नेगेटिव जो है वो आती है, राइट। तो फ्रेंड की सिलेक्शन तो आपने करनी है भाई, ठीक है, आप फ्रेंड लिस्ट में से जो है फाइंड करें और अच्छे अच्छे जो कोचेज हैं आजकल फ्री सेशंस कर रहे हैं, इवन यहाँ बैठे वो जो बड़े बड़े नाम जिनको हम कभी सुना करते थे और कभी ख्वाहिश होती थी उनको अभी कभी देखें, आज जो है यूट्यूब के ऊपर जो है फेसबुक के ऊपर वो लाइव सेशन करते हैं और आप उनको सुनते हैं और वो लाइफ चेंजिंग सेशन होते हैं, घर बैठे आपको फ्री में चीजें सीखने के जो है मिल रही होती हैं, जैसे आप भी एक सेशन जो है वो कर रहे हैं। तो आजकल तो देखें ना सीखना तो इस वक्त फ्री हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशन तो होनी चाहिए ना सीखने की जो है, ठीक है। नौजवानों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर वो अपनी जिंदगी के पहले 30 साल अपनी मत मारेंगे, ठीक है, मत मारे का मतलब ये कहते हैं वो 18-18 घंटे 16 से 18 घंटे काम करेंगे और अपने टाइम को सीखने में सर्फ करेंगे तो 30 साल के बाद की जो जिंदगी होगी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर ये लोग अपने पहले 30 साल जिंदगी के जाया करेंगे तो फिर सारी उम्र जो है ना बढ़ापे में भी परेशानी का जो है शिकार रहेंगे। तो इस वक्त जब आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो बजाय इसके कि आप मॉडलिंग की तरफ जो है वो जाएं, बजाय इसके कि आपके ख्वाबों की शहजादी जो है वो आपको वो सोने ना दे, बल्कि कोशिश ये करें कि आप अपना एक ऐसा ख्वाब अपने दिमाग में रखें जिसको आपने अचीव करना है फ्यूचर के अंदर, और उसके लिए आप दिन रात जो है वो जागें, वही चीज आपके क्या कहते हैं ड्रीम में आनी चाहिए और उसी के लिए आप दिन रात जो है वो लगा के जो है वो काम करेंगे, तो फिर ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।
देखिए चॉइस अब नौजवानों के पास है कि उन्होंने क्या करना है। मैं अभी अभी एक एक जो है वो आप कैलकुलेशन नौजवानों को खुद भी करनी चाहिए कि अगर वो एक घंटा या दो घंटे रोजाना कोई ऐसी चीज देखते हैं जो कि मतलब ठीक नहीं है, पहली बात तो ये कि इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, साल दो साल तीन साल चार साल की, तो कितना टाइम उन्होंने जाया किया। और वो जो सीड होते हैं नेगेटिविटी के, वो सोच कहीं ना कहीं दिमाग में चली जाती है जो नेगेटिविटी की होती है, और वो फिर बाद में कहीं ना कहीं ऐसी इन्वायरमेंट जब मिलती है तो फिर उसमें उसके ऊपर जो है वो एक्शन जो है वो हो जाता है। इसलिए बचें, नेगेटिव थॉट्स को जो है वो आप दूर रखें, बल्कि मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ नौजवानों को कि शुरू में आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें। जैसे जब आप एक बीज जो है वो जमीन में बोते हैं तो बीज जब बाहर निकल आता है तो शुरू में पौधा छोटा होता है और उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पत्तियां निकाल लेता है, शाखें उसकी मजबूत हो जाती हैं, तनावर दरख्त बन जाता है, तो फिर उसको कोई मसला नहीं होता, फिर उसको नेगेटिविटी भी इफेक्ट नहीं करती, फिर उसको आप थोड़ा बहुत काट भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता जो है। अब ये होता है कि वो नेगेटिव लोग भी उसके साए में आके बैठते हैं, उसका फ्रूट खा रहे होते हैं, ठीक है। तो शुरू में नौजवान जो है वो अपने आप को बचाएं जब तक कि वो खुद इतने स्ट्रांग ना हो जाए कि नेगेटिविटी जो है वो जब उनके पास आए तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। जब वो खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, और फिर जो है फ्रूट, उनका फ्रूट जो है ना वो लोग खाएंगे जो कि नेगेटिव होंगे, राइट। लेकिन शुरू में अपने आप को दो चार साल के लिए मैं ये कहूंगा कि वो ये क्वारंटीन ही करें अपने आप को जो है पॉजिटिविटी के अंदर जो है, और हर वो पॉजिटिव जो पॉजिटिव चीज जो है वो उसको अपने दाएं बाएं फैलाएं। आपकी सोच जब पॉजिटिव हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप देखना है कि फिर नेगेटिव लोग जब आपके पास आएंगे तो आप कैसे उनकी सोचें चेंज करते हैं, बजाय इसके कि आप उससे जो है इन्फ्लुएंस जो है वो ले रहे हो, राइट। तो ये नौजवानों को दो तीन साल से काम करना होगा। नदीम, आपने बड़े यंगस्टर्स के साथ काम भी किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आप व्हाट इज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट और सीक्रेट फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल यूथ पर्सनल, यानी कि मैं आम अंदाज में ये कहूंगा कि आपने आप गवर्नमेंट साइड पे भी हैं, आपने लोगों को स्किल्स पे भी काम करते देखा, फिर आप एक लाइफ कोच भी हैं, आप लोगों को एक बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजारने का तरीका भी बताते हैं, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक कामयाब नौजवान के? ये ब्रायन ट्रेसी ये कहता है कि जी जिस तरह से आप कोई अच्छा खाना खाएं किसी होटल के अंदर जो है, और उसकी अगर आप रेसिपी उससे पूछ लें और घर में आके उसी रेसिपी को ट्राई कर लें और आप वैसा ही खाना एक दो कोशिशों के बाद तैयार कर लेंगे, तो वैसे ही वो कहता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि सक्सेस की रेसिपी क्या है, उसी रेसिपी को फॉलो करें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें कोई वो दूसरी जो है वो राय नहीं है, राइट। अच्छा, अब ये कि जो पहली चीज है ना, जहां पे सारे के सारे लोग लैग कर रहे हैं, जहां पे मसाइल आ रहे हैं, वो मैंने पहले बताया कि सेल्फ स्टीम जो है वो बिल्ड करने की जरूरत है। मैं इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड अल्लाह हैज गिवन अस ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल, वो तमाम जो लवाजमात हमें चाहिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए वो अल्लाह ने हमें दे के भेजे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने वो रोक के हमें भेजा हो कि जाओ जाके जो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सब कुछ आपके पास जो है मौजूद है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन, और आपने आप इस दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली वो डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे जो है। ये कॉन्फिडेंस सबसे पहली बात है। फिर अपना गोल सेट करें लाइफ का जो, और सक्सेसफुल लोगों से मिलें, जिस काम को करने को दिल करता है उस काम की तरफ जो है वो जाएं। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई 6 माह साल इसके ऊपर लगाएंगे और सोचेंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो मेरे हार्ट के बहुत करीब है, जिसको करते मैं नहीं थकता, तो उस काम की तरफ जो है वो जाएं। और इसके लिए मैंने एक जो है वो एक सक्सेस फार्मूला जो है वो जो मैंने एक लिखा है वो ये है कि अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, उसी के मुताबिक एजुकेशन हासिल करें, और उसी के मुताबिक आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में आती हैं तो इंसान जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो कामयाब हो जाता है। मैं एक नौजवान से मिला, उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है और वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, और उसका इंटरेस्ट जो है वो साइकोलॉजी है। आप मुझे बताएं कि वो कैसे जिंदगी में जो है वो कामयाब होगा, राइट। और ये ज्यादातर हमारे नौजवानों का यही हाल है, एजुकेशन कुछ और हासिल कर रहे हैं, इंटरेस्ट उनके कुछ और हैं, और जॉब कहीं पे कोई और काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करें अपने साथ जो है वो जुल्म जो है, और अगर ऐसा कुछ जुल्म हो भी चुका है तो कोई बात नहीं, इट्स द राइट टाइम, आप रीथिंक करें। एजुकेशन को भी आपने इंटरेस्ट के मुताबिक करना है तो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, साल दो साल के अंदर एजुकेशन सेट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप जो है वो जॉब भी वो करें जो आपकी फिर
इंटरेस्ट और एजुकेशन को मैच करती है ताकि आपको एक सपोर्ट मिले आगे जो है वो बढ़ने की जाए, ठीक है। तो इवन स्किल के अंदर मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे मतलब जो लतीफे होते हैं कि बंदा सुन के हैरान हो जाता है। फर्ज करें मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीख रहा है और वो शाम को जाके जो है वो जो किसी जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर की शॉप के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, सेलमैन जो है वो बना हुआ है। आप उसे कहते हैं भाई अगर तुम यहाँ पे मोटरसाइकिल मैकेनिक का यहाँ पे कोर्स कर रहे हो और शाम को वर्कशॉप भी मोटरसाइकिल मैकेनिक की जाके ज्वाइन करो जाए तो आपकी लर्निंग डबल हो जाएगी, राइट, और आपके एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा। वो चीज जो आपने एक साल में सीखनी वो छह माह में आप सीख लोगे, राइट। तो ये चीजें अलाइनमेंट में लेके चलो ताकि आप बेहतरी की तरफ जो है वो जा सको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती हमारे जो नौजवान है उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब आप ऐसे ही है कि जैसे आप शादी करें और पहले ही सोच लें कि ये नाकाम हो जानी है, ठीक है। तो मतलब आप पहले स्किल हासिल करने में आप कहते हैं जनाब ये इससे तो पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट। भाई नौकरियों को छोड़ें, नौकरियां इस मुल्क में ना रह गई हैं ना रहनी है, बल्कि दुनिया में भी आप देख लें नौकरियों के क्या हाल हो रहे हैं। तो नौकरी करें, कुछ अरसे के लिए काम करें, लेकिन सोचें कुछ काम करने का जाए, ठीक है। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ काम करें, जॉब्स क्रिएट करें। नदीम, मेरा उसी से इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्किंग विद आपने तकरीबन 5 से 10 लाख यूथ का ट्रेन किया, ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है? मैं इस वॉल्ट टॉक्स में एक सवाल बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या होता है। क्या आपने कोई यंगस्टर को देखा, ये किसी एक खास पैदाइशी खूबी का नाम है या ये पैदा की जा सकती है या कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते? तो उस हवाले से थोड़ा गाइड करें। देखिए ये इस सवाल का अगर जवाब मिल जाए, एग्जैक्ट जवाब मिल जाए तो जाहिर है फिर तो मसले बहुत आसान हो जाते हैं, राइट। लेकिन जाहिर है कुछ निशानियां हैं जिनको जिसको अगर गौर किया जाए तो आपको जो है वो हिंट मिल जाते हैं कि ये बच्चा आगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वो जा सकता है जो है वो या नहीं जो है वो जा सकता है, राइट। और उसके अंदर जाहिर है आप उसकी जिंदगी के अगर मामला अगर देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी अच्छी होती है, कन्विंसिंग पावर उसके अंदर होती है, वो कुछ ना कुछ लेन देन के मामला जो है वो लाइफ में भी कर रहा होता है, अपनी एक रूटीन लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा चला रहा होता है कि जिसके अंदर जो है कुछ ना कुछ गेन हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है उसके, राइट। इसी तरह से उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक हिडन ये चीज जो है वो होती है कि भी मैंने ये नौकरी मुझे सूट नहीं करती, मैंने जो है ना वो काम की तरफ जो है वो जाना है। जब आप थोड़ी सी उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं और उसकी भी पिछले कुछ 2-3 साल को खंगालते हैं तो बड़े आराम से आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जी इस बच्चे के अंदर जो है वो जर्म्स मौजूद हैं, एक बात। लेकिन अगर आइडेंटिफाई ना हो वो जर्म्स जो है तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग देके भी आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा सकते हैं। ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है या ऐसी चीज है कि जब बंदा कहेगा जनाब मैं कारोबार नहीं कर सकता, मतलब हमें इस माइंडसेट से भी आप निकल आना चाहिए कि जनाब कारोबार नहीं हो सकता। भाई क्यों कारोबार नहीं हो सकता? अगर आप कारोबार को अच्छे तरीके से सीख लें, ठीक है, आप उसके तमाम सक्सेस फैक्टर्स को ले लें, आप उसके जो गुरुज हैं उनसे जाके मिलें, ठीक है, और तमाम डिसीजन जो है वो आप एक मशावरत से एक अच्छे तरीके से सोच समझ विचार से लें, जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करें, तो जाहिर है कोई मसला नहीं है इसके अंदर जो है कि आप उसके अंदर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, राइट। तो ये एक गलत बात है वो जी लीडर बॉर्न होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न होते हैं, बाद में बनाए जा सकते हैं, वो बॉर्न तो सारे ही होते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या कोई बॉर्न होने के बगैर भी इस दुनिया में आया है, सारे बॉर्न होते हैं, राइट। फिर बॉर्न होने के बाद जाहिर है जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस साइड के ऊपर जो है वो जाना है। तो कोई इसमें मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता कि जी अगर कोई बंदा कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता जिंदगी के अंदर जो है, राइट। अगर आप एक डिसीजन ले लें कि जी मैंने इसको करना है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले लें और दिलो जान से उसके ऊपर जो है वो काम करें, जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूरी करें, तो मुझे बताएं अल्लाह ताला क्यों आपको नाकाम करेंगे, वो कोई आपके दुश्मन थोड़ी है। हाँ ये है कि आप बिजनेस के अंदर आप बेहतर जानते हैं कि ऊंच नीच जो है वो होती रहती है, ठीक है, और अगर आप पहली नीच के ऊपर जो है वो फारग हो गए और आपने यार ये तो नुकसान हो गया तो फिर नहीं चलता गया, ठीक है। बिजनेस जो है वो एवरेज गेन का नाम है, ठीक है, एवरेज गेन आपके जो है वो क्या हो रहे हैं, तो ये एक महीने या 2 महीने या साल की परफॉर्मेंस का जो है वो नाम नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली राइट, आपके ये कंटीन्यूअस स्ट्रगल का नाम है कुतुब बीनी, किताबें पढ़ना, ठीक है। ये एक ऐसी क्वालिटी रही जिसने अच्छे सोचने वालों को प्रोड्यूस किया। हम फेसबुक का एक फीचर होता है सेटिंग्स वाला, वो आपको बताता है कि आपने कितनी इस्तेमाल की एक दिन में, तो वो अगर आप किसी नौजवान का पकड़ के देख लें तो 2-2.5 घंटे तो कम से कम निकलेगा, ये तो मैं कम से कम आपकी बात बता रहा हूँ। एक किताब पढ़ना ये हमारे
सिंफे नाजुक पे गरा गुजरता है नौजवानों के, तो ये जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये किताबें पढ़ने का शौक क्या आला क्वालिटी है, होनी चाहिए, और ये क्यों नहीं है अभी आजकल? देखिए जी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सीधी सी बात है। अगर आप उल्टा सीधा देखेंगे तो जाहिर आपके दिमाग में उल्टी सही चीजें आएंगी, अगर आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे नहीं अच्छा तो फिर जाहिर आपके दिमाग में आइडियाज कहाँ से आएंगे। ठीक है, देखिए किताब एक इतनी जबरदस्त चीज है कि लोगों ने अपनी विजडम जो है उसको किताब के अंदर जो है वो लिख दिया, और अगर आप उस विजडम को बजाय इसके कि अपने ट्रायल एंड एरर से सीख के आप जो है फिर जाके उसको गेन करें, तो ये बेहतर नहीं है कि आपने वो हायरार्की तो आपने वो यकीनन आपके लिए में होगी कि जी वो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है कि मैं फोर्थ स्टेज पे विजडम है। ठीक है, आप डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे अपनी विजडम शेयर कर रहा हूँ आज, तो ये आपके लिए चाहे नॉलेज बन जाए या इंफॉर्मेशन बन जाए, जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपकी एक नई विजडम क्रिएट होगी और जो पहले वाली विजडम से बेहतर होगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट जो है कि किताबें पढ़ने वाले क्यों इतने जो है ना वो फन्ने खां बनते जाते हैं। भाई आपने एक विजडम, किसी की विजडम को एज इंफॉर्मेशन और नॉलेज की सूरत में गेन किया, आपने जब उस इंफॉर्मेशन नॉलेज को जब प्रैक्टिस में डाला तो वो आपकी एक नई विजडम बन गई जो कि पहली विजडम से बहुत आगे की चीज बिल्कुल, है। राइट, तो बिल्कुल ऐसे किताबें आपको क्या करनी है, नहीं ये अच्छा ये मैं थोड़ा सा इस पे, किताबें ये करती हैं कि विजडम आपको देती हैं। अब किताबें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, अच्छा कितनी पढ़नी चाहिए भाई, मैं कहता हूँ एक सफाई पढ़ लो, एक सफा डेली पढ़ोगे तो 365 पेज, एक किताब, डेढ़ किताब तो साल में खत्म होगी। ठीक है, तो क्या एक पेज पढ़ना डेली क्या मतलब है, 10 पेज पढ़ लो बहुत अच्छी बात है, ठीक है 20 पेज पढ़ लो जो है, जितने भी अल्लाह तौफीक दे हसबे तौफीक पढ़ें, लेकिन किताब जरूर पढ़ें क्योंकि किताब पढ़ेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज जो है वो जो है वो मुश्किल है। तो आई विल सजेस्ट, और मैं एक और भी इंटरेस्टिंग बात कर एक क्वालिटी में रिलेट भी करूंगा। अखबार भी जी पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि मैं किसी जमाने में अपनी अंग्रेजी को दुरुस्त करने के लिए अंग्रेजी अखबार पढ़ा करता था और उसके ऊपर पेन चलाया करता था। उस पेन से एक हैंडराइटिंग और कोई नया वोकैबुलरी सीखने को मिलती थी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट के अखबार पढ़ने की सलाई भी पैदा करें। अच्छा, वी आर कमिंग नदीम भाई, जबरदस्त डिस्कशन हो रही है। इवॉल्व टॉक्स के अभी तक जितने सेशन हुए हैं उसमें आज मुझे भी मजा आ रहा है। मुझे ये बताएं, कंक्लूजन की तरफ जाते हुए, अगर अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हल क्या है, व्हाट्स द सोल्यूशन? आपकी आज की भी बातें बहुत सारे यंगस्टर्स का फ्यूचर बदल सकती हैं। कोई ऐसी बात बताएं कि करना क्या चाहिए, सोबत कैसी इख्तियार कर रहे हैं, भाई नहीं मिल रही, कोई इर्द गिर्द लोग नहीं है, ये अच्छा कहां से ढूंढे, इंटरनेट से ढूंढे, पॉजिटिविटी कहां से लाएं, को गाइड करें। जी देखिए नौजवान, एक बात तो क्लियर कर लें कि जनाब आपको कोई भी बंदा ठीक करने वाला नहीं है अंटल कि आप खुद डिसाइड करें कि मैंने ठीक होना है। ठीक है, आपके माँ बाप का कोई रोल नहीं होगा फ्यूचर के अंदर जो है, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आपके बाकी मामला होंगे, आपने खुद उनको आगे लेके चलना है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपके रिलेटिव्स बाकी सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ही आपको ये सोचना चाहिए कोई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपको अपनी सलाहियतों पे भरोसा करना है, आपने खुद से मेहनत करनी है और खुद से अपना रास्ता जो है वो बनाना है, लेकिन जो पहला काम करने वाला है वो ये है कि अपना रास्ता जो है उसका इंतखाब जरूर कर लें। आप जो है करना क्या जिंदगी के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपके हार्ट के करीब है, जो आप समझते हैं कि जिसमें करने में आपको मजा आता है, आप उसका उसका फैसला करें और उसके बारे में एजुकेशन ले लें, और आगे जो जॉब जो करनी है या आपने काम करना है वो उसी से मुतलका जो है वो करें, और उसी के मुतलक सीखें, उसी के मुतलक का किताबें पढ़ें, उसी के मुतलक फेसबुक के फ्रेंड्स रखें, यानी आप अपने लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें सारी की सारी वो जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर तरफ से विजडम आपके पास आ रही होगी उसके हवाले से, और आप देखिएगा विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स जो है आप का वो जो ड्रीम है आपको खुद लगेगा कि वो जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं कि शर्मिंदा तो वीर होने की तरफ जो है वो जा रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको जो बता दूं, कुदरत ने एक बड़ा ही जबरदस्त निजाम बनाया हुआ है, और वो ये है कि कुदरत ये कहती है कि तुम डिसाइड करो। ठीक है, वो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इंसान के सामने हाथ बांधे खड़ी है। ठीक है, और वो कहती है कि योर विश इज माई कमांड। ठीक है, तुम जो सोचते हो मेरे लिए हुक्म है आका।
लेकिन तुम कुछ सोचो तो सही ना, ठीक है? अब सोच क्या है, पहले दिन सरकारी नौकरी करनी है, दूसरे दिन कारोबार करना है, तीसरे दिन मुल्क से बाहर जाना है, चौथे दिन कुछ और करना है, वो यूनिवर्स वगैरह को भी परेशान किया है, वो एक काम करना शुरू करती है तो उसको दूसरी कमांड दे देते हैं, वो दूसरा काम शुरू करती है तो उसको तीसरी कमांड दे देते हैं। यूनिवर्स को क्लियर कट कमांड दें कि करना क्या है, बनना क्या है, चाहते क्या है अपनी लाइफ के अंदर, जो है जो आप चाहेंगे, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला खुद आपके लिए वो रास्ते जो है वो आपके आपके लिए वो रास्ते निकालेंगे, बस आपने उन रास्तों पे चलते जाने, आगे बढ़ते जाने, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको। वंडरफुल, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई नदीम साहब। मैं अगर कोई लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें और एज अ कोच आपकी कोची के तौर पे आपसे सीखना भी चाहें और अपनी लाइफ में जाएं, तो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? जी, मेरा तो एक तो फेसबुक पे मोहम्मद नदीम अकरम के नाम से अगर वो सर्च करेंगे तो उनको जो है वो मिल जाएगा, और मेरा नंबर जो है वो भी शेयर किया जा सकता है, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट जी, मोहम्मद नदीम अकरम, आई थिंक यू कैन फाइंड इट ऑन द फेसबुक एज वेल फॉर एन एक्सलेंट डिस्कशन। बड़ी मजे की डिस्कशन रही आज, दो चीजें हमने सीखी एंड दैट वाज वन ऑफ देम वाज अबाउट स्किल्स, जो हार्ड टेक्निकल स्किल्स हैं, और एक लाइफ स्किल्स। कंक्लूजन करते हुए लास्ट बात जो मैं हमेशा किसी को जो भी रिवॉल्व टॉक में आ रहे हैं लोगों से पूछता हूँ, दो टिप्स दे के जाए लोगों को याद रहे ताकि। देखिए, ये जो दो टिप्स के हवाले से मैं बात करूंगा वो यही है कि नंबर वन तो ये कॉन्फिडेंस रखें कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम लवाजमात दे के भेजा हुआ है कामयाब होने के लिए। पूरी की पूरी कायनात आपको सपोर्ट करिए, सूरज चांद सितारे सब कुछ आपके लिए निकलता है, किसी और के लिए नहीं भाई, सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए है, ठीक है? अलम तरु अल्लाह सखर अलकुम मा फिस समावाती वमा फिल अर्ज़, अल्लाह कहता है जो कुछ भी बनाया भाई ये सारे मैंने तुम्हारे काम में लगाए हुए हैं। और पहली सोच ये है कि जस्ट फील यू आर द बेस्ट, और मैं इसके लिए कहता होता हूँ कि आप ये नारा लगाया करें कि आई एम द बेस्ट जो है, राइट? तो सुबह उठते ही नारा लगाया करें, शीशे के सामने नारा लगाएं कि आई एम द बेस्ट जो है एंड गॉड हैज क्रिएटेड मी, और मेरा बनाने वाला वो खालिके कायनात है, मेरा मुसव्वर वो अल्लाह है। आप देखें, और अल्लाह ने इंसान को अपने हाथ से बनाया, मतलब देखें, और अल्लाह ये कहता है कि मैंने क्या कहते हैं बेहतरीन सूरत में इसको जो है वो जो है वो पैदा किया। तो बहुत सी चीजें आप कुरान पाक को पढ़ें तो आपको अंदाजा होता है कि इंसान कितनी बड़ी चीज है, और एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात इसके पीछे जो है वो लगाई हुई है जो इसको सपोर्ट करती है। तो वन थिंग, सेकंड थिंग जो है कायनात को बताएं भाई आपको चाहिए क्या, लेट द यूनिवर्स नो आप चाहते क्या लाइफ के अंदर, और बड़ा क्लियर कट जो है वो बताएं। वो हमारे मुश्तरका गुरु आरिफ अनीस साहब तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने किसी लड़की से शादी करनी है तो ये भी बताएं कि उसके तिल किस जगह पे है, गर्दन के पीछे है, आगे है, नाक के ऊपर है, कहाँ पे, ताकि यूनिवर्स वैसी लड़की आपको जो है वो ढूंढ के ला दे, राइट? तो इसलिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको चाहिए क्या लाइफ के अंदर जो है। आप देखिएगा यूनिवर्स खुद से ऐसे ऐसे रास्ते आपके लिए निकालेगी, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Wonderful, Nadeem bhai, I would like to thank you on behalf of Evolve team. Wonderful session, aapne time diya, badi baatein seekhne ko mili hain, aur mera khayal hai ki hamari aaj nashist pet bhara nahi hai, hamari aur nashistein aapke sath zarur isme hoti rahengi. But thank you very much for your amazing time today. मैं जितने भी हमारे इस वक्त जो है देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने पेज के ऊपर स्टे किया, वरना आजकल किसके पास जो है इतना टाइम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने जाहिर ये सारी अरेंजमेंट्स जो है वो की हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस एफर्ट को कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। राइट जी, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द सेशन। वी विल कंटिन्यू फॉर टॉक्स टुमारो, वी हैव न्यू पर्सनालिटी, इजाज़ निसार विल बी विद अस टुमारो इन द इवनिंग। परसों हम शफा से बात कर रहे हैं, आई विल हैव अनदर सेशन विद अमन एज़ वेल। इवॉल्व इज कंटिन्यूइंग ऑन, हमारा एक ही मैसेज है एंड दैट इज पॉजिटिविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिव, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स ईद, अनसर्टेनिटीज के दौर से सर्टेनिटीज के दौर में आना, दैट वॉज द मेन फोकस। नदीम ने आज बहुत अच्छी बातें बताई, वी विल कंटिन्यू टू हैव मोर अमेजिंग पीपल एंड कंटिन्यू हैव डिस्कशंस। मेरा ख्याल है हमारे कोई 30 के करीब डिफरेंट सेशन हो चुके हैं विद इवॉल्व टीम मेंबर्स एंड different walks of life. On this weekend, guys, I'm ending on a note that we will have some great and excellent surprises also lined up. So thank you very much, everyone who tuned in. Nadeem, aapka bhi bahut shukriya, and we will continue to have more discussions and more sessions. Stay connected with Evolve.